हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल क्वालिटी ओर इंडिया। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ओई ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस एंड ओएलई ओवरऑल लाइन एफिशिएंसी। अभी तक आपने ओई के बारे में तो सुना होगा, लेकिन ओएलई के बारे में नहीं सुना होगा। सो इन दोनों के डिफरेंस को जानेंगे, दोनों की इंडस्ट्री में क्या अहमियत है और क्या इंपॉर्टेंस है। और सबसे पहले फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स एंड कुलीग में शेयर जरूर करिएगा। तो आइए चलते हैं फ्रेंड्स। क्वालिटी ओरा ने एक काफी अच्छा इनिशिएटिव लिया है, जिसमें ऑनलाइन बेसिकली दो कोर्स स्टार्ट किए गए हैं, लीन सिक्स सिग्मा येलो बेल्ट एंड लीन प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेशन कोर्स। बेसिकली ये बिगिनर्स के लिए है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं सो इसमें बेसिकली हम ऑनलाइन कोर्स करा रहे हैं, और आपको काफी कम कीमत पे और रिजनेबल कॉस्ट पे ये कोर्स अवेलेबल है मार्केट से, काफी कम्पिटेटिव प्राइस मीन्स कम कॉस्ट पे। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप दिए गए बेसिकली ईमेल आईडी qualityora@gmail.com और पर्टिकुलर इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं ओई पे। सो ओई बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केपीआई, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, जो बेसिकली प्रोडक्शन क्वालिटी मेंटेनेंस एंड बेसिकली एंड एवन इन फाइनेंस, ये बेसिकली बात करता है आपका जो रूट कोज है उसको डिस्टर्बेंस कहाँ पे आ रही है, मतलब जो आपकी बॉटम लाइन है, जो आपकी प्रोडक्शन की परफॉर्मेंस है वो कहाँ पे हैम्पर हो रही है, ये उसके बारे में बताता है आपका। जनरली जनरली जो ओई है, जब हम बात करते हैं लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस की, तो एक स्टैंडर्ड रेट बोला जाता है कि 85% एंड अबोव हमारी ओई का हम टारगेट रखते हैं। सो ये बेसिकली हेल्प करता है आपका जो जो लो बफर प्रोडक्शन फ्लो है उसमें कहाँ पे जो रुकावट पैदा कर रही है, जो लॉसिस हैं बेसिकली, जो सिक्स मेजर लॉसिस बोलते हैं, वो कहाँ कहाँ ओई बेसिकली उन पे हिट करती है। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू रीच जीरो डिफेक्ट प्रोडक्शन, मीन्स अगर आपकी ओई एक्चुअल में सही है, मीन्स नॉट इन पेपर्स, एक्चुअल में अगर आपकी ओई बेटर है सो आपका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो बेटर रहेगा, आपका जीरो डिफेक्ट प्रोडक्शन भी होगा, क्योंकि इसमें हम तीनों फैक्टर पे काम करते हैं। एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बेसिकली इनपुट फॉर द कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट जर्नी। सो ओई काफ़ी इंपॉर्टेंट की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। सो फ्रेंड्स, बेसिकली ओई जो है शो द इफेक्टिवनेस ऑफ ए मशीन कंपेयर टू द आइडियल इन परसेंटेज, मीन्स जो आपका उनकी एक मीन्स एक स्टैंडर्ड जो रेट होता है, स्टैंडर्ड के अगेंस्ट में ओई दिखाता है कि आपका कितना आ रहा है। सो बेसिकली इसमें तीन वेरिएबल्स होते हैं जनरली, अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी रेट। सो इन तीनों पे हम डिटेल में बात करेंगे, इनका क्या इंपॉर्टेंस है। सो फ्रेंड्स, ओई बेसिकली इट्स अ मेजर केपीआई टू यूजिंग बेंचमार्किंग एंड एनालाइजिंग टू हाईलाइट इनएफिशिएंसी एंड कैटेगराइज देम, मींस जो भी हमारे सिस्टम में हमारी प्रोसेस में जो बॉटल नेक्स हैं उनकी जो इनएफिशिएंसी है और उनको कैटेगराइज करने का बेसिकली एक मेथड है। और एक मेन चीज़ है कि ओई जे सिस्टम फोकस्ड ऑन द इक्विपमेंट, ये बेसिकली इक्विपमेंट फोकस्ड प्रोसेस है, आई मीन्स मेजरिंग एक पैरामीटर परफॉर्मेंस की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है एंड नॉट फोकस ऑन द ऑपरेटर, मीन्स जनरली ये ऑपरेटर को जो उसकी इनएफिशिएंसी है उसको कैटेगराइज नहीं करता, ये बेसिकली जो आपका इक्विपमेंट है उनकी जो मतलब जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ रही है ये उस पर बात करता है, बेसिकली उसकी इफेक्टिवनेस क्या आ रही है, यानी कि आप कितना यूटिलाइज कर रहे हैं ये उसके बारे में बात करता है। सो बेसिकली जैसे टीपीएम टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस में हम बेसिकली तीन चीज़ें हमारी होती हैं, जो फैसिलिटी अप टाइम, यानी कि जो हमारा जो टोटल टाइम अवेलेबल है उसमें से जो डिजाइन ब्रेकडाउन है यानी कि उनको निकाल के जो हमारे को टाइम मिलता है वो बेसिक उसको अप टाइम बोलते हैं। एंड देन प्रोडक्टिविटी प्लान अचीवमेंट, यानी कि जो टोटल डिजाइन साइकिल टाइम के अगेंस्ट में हमारा जैसे कितना बनना चाहिए था और उसके अगेंस्ट में कितना बना। एंड फर्स्ट टाइम राइट, यानी कि विदाउट रिजेक्शन रिवर्क, कितना हमारा फर्स्ट टाइम जो हमारा आउटपुट को क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोडक्ट बने हैं उसको बोलते हैं क्वालिटी रेट। सो दिस इज द ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिव। एंड सब बात करते हैं अवेलेबिलिटी परसेंटेज पे। सो अवेलेबिलिटी का जो फार्मूला हम काउंट करते हैं वो बेसिकली अवेलेबल टाइम माइनस अनप्लान डाउन टाइम अपॉन अवेलेबल टाइम। सो अनप्लान डाउन टाइम में बेसिकली जो इंक्लूड्स एनी स्टॉपेज विच रिजल्ट्स इन अनशेड्यूल्ड डाउन टाइम, दैट इज अनप्लान मेंटेनेंस, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया वो सारा अनप्लान डाउन टाइम में आता है, जैसे लैक ऑफ मटेरियल है आपका, बेसिकली किसी भी टाइम मोटर ट्रिप कर गई, या अनशेड्यूल्ड सेटअप टाइम है, यानी कि आपका जो बेसिकली सेटअप टाइम था वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लग रहा है, चेंज ओवर टाइम्स को बोलते हैं, वो अगर ज़्यादा लग रहा है, सो ये ऑल दीज कम्स इन अनप्लान डाउन टाइम। और प्लान डाउन टाइम में बेसिकली जो होता है, जो ऑलरेडी आपने बेसिकली कुछ एज पर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल के हिसाब से जो आप एक टाइम प्लान करके चलते हैं वो बेसिकली प्लान डाउन टाइम में आता है। सो जो बेसिकली जनरली हम अप टाइम बोलते हैं,
अप टाइम बेसिकली वही होता है जो ऑलरेडी जो आपके पास अवेलेबल टाइम होता है, मान लीजिए 480 मिनट्स में से आप 60 मिनट को उसमें से प्लान डाउन टाइम निकाल के, तो आपका जो 420 मिनट्स है दैट इज द अप टाइम। सो अगर परसेंटेज अवेलेबिलिटी की बात करें, सो इसका फार्मूला जनरली अवेलेबल टाइम माइनस अनप्लान डाउन टाइम अपॉन में अवेलेबल टाइम। सो ये बेसिकली आपके पास टाइम बताता है कि कितना जो अवेलेबल टाइम में से आपके पास उसकी अवेलेबिलिटी की परसेंटेज क्या है, यानी कि आप कितना टाइम यूटिलाइज कर पा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, सब अवेलेबिलिटी को हम इस एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। मान लीजिए आपके पास 8 आवर्स का जो अवेलेबल टाइम है और उसमें से डाउन टाइम जो आपका 4 4 आवर्स जो बेसिकली वो बेकार हो जाता है, यानी कि आपका किसी भी जो मीन्स आपकी जो मेजर ब्रेकडाउन आ गई जो अनएक्सपेक्टेड थी। सो जो आपके पास टाइम बचा 8 आवर्स माइनस 4 आवर्स अनप्लान्ड एंड जो अवेलेबल टाइम था आपके पास 8 आवर्स। सो अगर इससे कैलकुलेट करेंगे आप तो आपकी अवेलेबिलिटी बेसिकली 50% अवेलेबिलिटी आपकी बनती है। सो दिस इज योर अवेलेबिलिटी परसेंटेज। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सेकेंड वेरिएबल जो जिसको बोलते हैं परफॉर्मेंस एफिशिएंसी, और इसको प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी भी बोलते हैं। सो बेसिकली ये जो है रिलेशनशिप बिटवीन द एक्चुअल अचीव्ड रेट ऑफ आउटपुट ऑफ द फैसिलिटी एंड द आइडियल और प्लान रेट, यानी कि आइडियल और प्लान रेट बेसिकली जो हमारा डिजाइन साइकिल टाइम के हिसाब से जो हमारी आउटपुट आनी चाहिए थी और उसके अगेंस्ट में हमारा कितना बन रहा है। सो दैट इज नोन एज परफॉर्मेंस एफिशिएंसी। सो मान लीजिए परफॉर्मेंस एफिशिएंसी को अगर हम देखें, सो जो हमारा एक्चुअल आउटपुट अपॉन में आइडियल यानी कि डिजाइंड आउटपुट, आइडियल आउटपुट को डिजाइंड आउटपुट भी बोलते हैं। सो मान लीजिए जो हमारा एक्चुअल आउटपुट आया है 2000 और जो बनना चाहिए था 4000 बनना चाहिए था। सो अगर इससे कैलकुलेट करके हम परफॉर्मेंस एफिशिएंसी को निकालते हैं तो हमारा 50% एफिशिएंसी बनती है। सो यानी कि आइडियल आउटपुट यानी कि डिजाइंड और ऑप्टिमम रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द फैसिलिटी एंड एक्चुअल आउटपुट जो आपका एक्चुअल में बन रहा है किसी भी वजह से, यानी कि आपका जो प्रोडक्शन लॉस हुआ है या ब्रेकडाउन हुआ या किसी भी वजह से कम बना है, यानी ऑपरेटर की एफिशिएंसी कम थी, सो उसको बेसिकली हम एक्चुअल आउटपुट बोलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों रेट ऑफ क्वालिटी के बारे में। रेट ऑफ राइट जो क्वालिटी है उसको हम फर्स्ट टाइम राइट परसेंटेज भी बोलते हैं, यानी कि जो जनरली फार्मूला यूज करते हैं जो गुड कंपोनेंट्स यानी कि ओके कंपोनेंट्स अपॉन में टोटल कंपोनेंट्स में। एक मान लीजिए आपने टोटल 5000 पीसीस बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में आपने 3500 पीस ओके निकाले हैं, यानी कि 1500 पीस को रिजेक्ट कर दिया। सो इसका अगर आप रेट ऑफ क्वालिटी निकालेंगे तो 75% बनता है, यानी कि गुड कंपोनेंट्स इसमें जो हैं आर दी दोज पार्ट्स वो डीम्ड एज एक्सेप्टेबल अगेंस्ट दी कस्टमर लेट डाउन, यानी कि जो कस्टमर जिनको ओके काउंट करता है। सो दैट इज द गुड कंपोनेंट्स यानी ओके कंपोनेंट्स एंड टोटल कंपोनेंट्स हैंडल्ड ऑल पार्ट्स प्रोसेस विद इन दी अलॉटेड शिफ्ट, यानी कि पर्टिकुलर शिफ्ट में या पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में आपने कितने पीस ओके बनाए हैं। सो दैट इज नोन एज टोटल कंपोनेंट हैंडल्ड। दिस इज द रेट ऑफ क्वालिटी। हाँ, सो फ्रेंड्स बेसिकली ओई की कैलकुलेशन अगर देखें तो इसमें बेसिकली तीनों वेरिएबल्स को इट्स मल्टीपल ऑफ 3 वेरिएबल्स, अवेलेबिलिटी परसेंटेज, परफॉर्मेंस परसेंटेज एंड क्वालिटी परसेंटेज। सो जो हमने पहले कैलकुलेशन करी थी जिनमें जो हमारा अवेलेबिलिटी भी 50% था, परफॉर्मेंस भी हमारी 50% आई थी एंड जो क्वालिटी है हमारी वो 70% आई थी। अगर तीनों को मल्टीपल करेंगे तो हमारा जो ओई निकल के आता है 18.75। और जो मैंने बताया था कि जो वर्ल्ड क्लास और जो लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस में हम टारगेट लेके चलते हैं, सो हमारा 85% एंड अबव हमारा जो ओई होना चाहिए। सो इसमें हम एक प्रोजेक्ट के तौर पे भी ले सकते हैं कि कोई भी जो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट है, सो जनरली हम अगर अवेलेबिलिटी हमारी 90% तक बढ़ाएं, प्रोडक्टिविटी 95% तक बढ़ाएं और क्वालिटी अगर 99% तक बढ़ाएं, तो हम तीनों का मल्टीपल जो एक स्टैंडर्ड रेट है वो 85% तक आता है। सो दोस्तों अब हम बात करेंगे बेसिकली ओएलई पे, क्योंकि मैंने बताया कि जो ओई है वो बेसिकली इक्विपमेंट फोकस है, इक्विपमेंट फोकस है ये और ये मैन पे फोकस नहीं करता। ओई का एक ओवरऑल स्नैपशॉट देखें तो इसमें बेसिकली 3 वेरिएबल्स हैं, अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस, क्वालिटी। अवेलेबिलिटी के अगेंस्ट में जो हमारा बेसिकली जो लॉसेस थे, स्टार्टअप लॉसेस था, चेंज ओवर एंड वेटिंग टाइम था। सो इसमें जो बिग 6 मेजर लॉसेस की बात करते हैं तो इक्विपमेंट फेलियर एंड प्रोसेस फेलियर आता है। एंड परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें माइनर स्टॉपेज एंड रिड्यूस स्पीड, यानी कि जो यही जो 6 मेजर लॉसेस में है। एंड क्वालिटी की बात करें तो डिफेक्ट पीसीस एंड रिवर्क, यानी कि जो भी डिफेक्ट आपके जो प्रोसेस में है और जो आप जिसके कारण आपकी यील्ड यानी रिवर्क करते हैं तो आपकी ओवरऑल जो रोड थ्रूपुट यील्ड है वो रिड्यूस होती है। सो अगर ये बेसिकली तीनों का मल्टीपल है
सो ये बेसिकली ओई है, और ये बेसिकली इसके 6 मेजर लॉसेस कहाँ कहाँ पे हमारे को हिट करते हैं। सो दिस इज द ओई, और ओई बेसिकली जो इक्विपमेंट फोकस होती है ये, यानी कि प्लांट की ओवरऑल परफॉर्मेंस को ये बेसिकली एक सही तरीके से नहीं बताती, ये बेसिकली उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट जिस पे आप ओई कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वहां पे फोकस करती है। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं ओवरऑल लाइन एफिशिएंसी। ओवरऑल लाइन एफिशिएंसी बेसिकली ये इट इज द एक्सटेंशन ऑफ ओई। सो क्या था कि जो इंडस्ट्री फोर है, जिसको आपने नाम सुना होगा, इंडस्ट्री फोर इज बेसिकली द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इट्स बेसिकली यूनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री फोर। इट्स बेसिकली सीमेंस का जो फोर्थ वर्जन है मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का, जिसमें इंटरनेट को मैन्युफैक्चरिंग से जोड़ दिया, यानी कि इतनी फ्लेक्सिबल है विद लॉट्स ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि आप एक पर्टिकुलर टैबलेट के थ्रू पूरी आप मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। सो उसमें बेसिकली जो बताया गया है कि जो ओई है उसमें बेसिकली लिमिटेड एबिलिटी टू टेक इनटू अकाउंट मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स, यानी कि जो पर्टिकुलर जैसे मैंने बताया था, ये ओई बेसिकली इक्विपमेंट फोकस है, प्रोसेस फोकस नहीं है। सो प्रोसेस फोकस जहाँ पूरी लाइन की जो एफिशिएंसी निकालते हैं, और पूरी लाइन का अगर पूरे प्लांट का हम बात करें, सो उसकी जो अगर एफिशिएंसी हमें स्टैंडर्ड एंड स्टिक चाहिए, तो उसके लिए हमारे को ओवरऑल लाइन एफिशिएंसी की जरूरत पड़ती है। सो ओ एल ई बेसिकली बीइंग यूज मोस्टली बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू डिस्क्राइब मल्टीपल प्रोडक्शन लाइन्स एंड द इंटीग्रेशन ऑफ नंबर ऑफ वेरियस सब प्रोसेस विद इन ए लार्ज प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी कि जहाँ पे आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस बहुत बड़े स्टेज पे है, आपकी लाइन प्रोसेस का बेसिकली जो प्रोसेस इंडस्ट्री है, या मल्टीपल आपका जो थ्रूपुट लाइन पे सारा पूरा आप उसका एफिशिएंसी निकालना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो ओवरऑल लाइन एफिशिएंसी है वो एक स्टिक एंड एग्जैक्ट आपको एफिशिएंसी देती है। सो फ्रेंड्स, जो ओवरऑल लाइन एफिशिएंसी है ये बेसिकली एक न्यू मेट्रिक इन मैन्युफैक्चरिंग एंड बिल्ट ऑफ प्रीवियस ओई, यानी कि जो प्रीवियस ओई की जो कमियां थी उसको, क्योंकि जो अगर पूरा लाइन पे अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो जो प्रीवियस ओई ओवरऑल इफेक्टिवनेस है उससे पूरा रिजल्ट्स नहीं निकल के आता था। सो टू कंपेयर द करंट परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्शन लाइन विद हाउ वेल इट कुड बी परफॉर्मिंग, सो ओई के ओएलई के थ्रू हम बेसिकली जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो लाइन की निकाल सकते हैं। ओएलई आल्सो टेक इनटू अकाउंट इनटू पर्सनल इन्वॉल्वड इन वेरियस प्रोसेस सीकिंग टू ऑप्टिमाइज द सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द आउटपुट रेट ऑफ मशीन एंड द यूजेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि अगर पर्टिकुलर जो मैन पावर लगती है, सो मैन पावर पे ओई का कोई फोकस नहीं था। सो अगर क्योंकि जो जनरली जो लीन मैन पावर कैलकुलेशन हम निकालते हैं, तो उसमें कितना स्टैंडर्ड आउटपुट एक मैन से निकलना चाहिए, और उस कितनी जो उसकी डिप्लॉयमेंट है कितने परसेंटेज होनी चाहिए, वो हम ओवरऑल लाइन एफिशिएंसी के थ्रू, यानी कि जब लाइन की एफिशिएंसी निकालते हैं तो वो ओएलई के थ्रू हम सारी चीजें काउंट करते हैं। यानी कि अगर पर्टिकुलर लाइन की बात करेंगे तो लाइन की एफिशिएंसी अलग से होगी, मैन पावर की एफिशिएंसी अलग से होगी। सो इस प्रकार से हम ओएलई निकालते हैं। सो जैसे ओएलई का एक इसने एक तरीका बताया है, ओई ऑफ ए पर्टिकुलर मशीन ए, यानी कि एक लाइन पे मान लीजिए 3 मशीनें हैं। सो पहले हम ओई मशीन की ए की निकालेंगे, देन बी मशीन की ओई निकालेंगे, एंड सी की जो ओई निकालेंगे, और तीनों को एवरेज निकालने के लिए 3 से डिवाइड कर देंगे। सो इस पर्टिकुलर लाइन की ओएलई निकल जाएगी। इसमें बेसिकली एक चीज और बता रहा था, कैलकुलेशन अजम्पशंस दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ मशीन ए बी सी आर द सेम दैट इज हैव द सेम वेट, यानी कि तीनों का जो बेसिकली वेटेज है वो तीनों मशीनों का बिल्कुल बराबर रहेगा। एंड इन मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग सिनेरियो दिस विल नॉट बी द केस। जनरली ओई में हम क्या करते थे कि हम पर्टिकुलर एक मशीन का निकाल के हम दिखा देते कि ये पर्टिकुलर हमारे प्लांट को ही रिप्रेजेंट करे, लेकिन तो वो तरीका गलत था। जनरली लोग यही करते हैं कि जो उनकी जो बेस्ट मॉडल मशीन होती है उसकी ओई को दिखा के वो दिखाते हैं कि हमारा प्लांट बेसिकली पर्टिकुलर 85% पे या 80% पे काम कर रहा है। वो ऐसा नहीं है। जगह अगर पूरे प्लांट की जो अगर उनके हर एक मशीन की ओई को आप एवरेज काउंट करेंगे तो वो काफी डाउन जाएगा। सो ओएलई बेसिकली राइट तरीका है जो आप पूरे प्लांट की परफॉर्मेंस को आप सही तरीके से दिखाने का। सो ओवरऑल लाइन एफिशिएंसी कैन बी एक्सपेंडेड फर्दर टू इंक्लूड ए कैलकुलेटर ऑफ ईच प्रोडक्शन लाइन टेकिंग इनटू अकाउंट द बॉटलनेक फॉर ईच। सो पर्टिकुलर आपकी जो जो लाइंस है उन पे जो पर्टिकुलर बॉटलनेक्स है उनकी परफॉर्मेंस क्या है, और आपकी पूरी लाइन की परफॉर्मेंस क्या है, वो सारा हम ओएलई में काउंट करते हैं। जैसे फ्रेंड्स एक स्टील इंडस्ट्री का एग्जांपल दिया है, इसमें बेसिकली स्टील जो इंडस्ट्री है कंटिन्यूस प्रोसेस इंडस्ट्री होती है। जैसे
स्टील रोलिंग मिल, रोलिंग मिल जिसको बोलते हैं। सो इसमें बेसिकली एक एग्जांपल है, जो 100 स्क्वायर मीटर ऑफ कोयल प्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड इन 30 आवर्स, ये एक स्टैंडर्ड आउटपुट रेट है, सॉरी एक एक्चुअल आउटपुट रेट है। और जो एक्चुअल आउटपुट रेट बेसिकली अगर इसका इसको निकालेंगे तो 100 जो स्क्वायर मीटर कोयल है उसको डिवाइड करेंगे 30 से, यानी कि 4.16 मीटर पर आवर जो हमारा आउटपुट निकल रहा है एक्चुअल आउटपुट, और एक स्टैंडर्ड साइकिल टाइम जो वर्क स्टैंडर्ड के हिसाब से बनना चाहिए वो बनना चाहिए बेसिकली जो 20, जो 100 कोयल्स निकलनी चाहिए वो 20 आवर्स में निकलनी चाहिए अगेंस्ट 30 के। यानी कि अगर इसका जो रेट देखेंगे हम तो 5 मीटर पर आवर निकल के आता है, और अगर लाइन एफिशिएंसी की बात करें सो एक्चुअल आउटपुट रेट अपॉन में स्टैंडर्ड आउटपुट रेट, यानी कि 416/5, सो 83% जो हमारी लाइन की एफिशिएंसी है। ये जस्ट एक ओनली सिंगल फैक्टर है। अब इसमें अगर मैं लेबर की प्रोडक्टिविटी निकालूंगा, लेबर की अलग से निकलेगी, और पर्टिकुलर जो बोटलनेक मशीन्स हैं उनकी अलग से निकालेंगे। सो ये बेसिकली राइट तरीका होता है जो ओवरऑल लाइन एफिशिएंसी का है। ये फ्रेंड्स ओएलई का एक एग्जांपल, एक पर्टिकुलर प्लांट के एक लाइन जो एफिशिएंसी है उससे समझेंगे हम। ये एक बेसिकली पर्टिकुलर प्लांट है, उसमें नंबर ऑफ ऑपरेटर डिप्लॉयड, ये बेसिकली लाइन वाइज कुछ नंबर ऑफ ऑपरेटर डिप्लॉयड है, और वो वर्किंग आवर्स, ये उस पर्टिकुलर लाइन का जो वर्किंग आवर्स है, यानी कि पर्टिकुलर किसी लाइन पे 48 बंदे हैं और उसका 8 घंटे वर्किंग टाइम है, और ये एक्चुअल लाइन प्रोडक्शन है, यानी कि कितनी आउटपुट निकाली है उस पर्टिकुलर लाइन पे उस पर्टिकुलर आवर के हिसाब से उस पर्टिकुलर मैन पावर ने, ये बेसिकली वो प्रोडक्शन आउटपुट है। और ये स्टैंडर्ड टाइम फॉर द प्रोडक्ट, यानी कि जो पर्टिकुलर टाइम है उस पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट बन रहा है उस लाइन पे, यानी कि उसका प्रोडक्ट का साइकिल टाइम, स्टैंडर्ड साइकिल टाइम, ये बेसिकली पर्टिकुलर दिया गया है। और जो टोटल मिनट्स अटेंडेड अगर हम बात करें तो ये फार्मूला है इज इक्वल टू, यानी कि टोटल मिनट्स का जो बेसिकली ई बनता है वो बेसिकली ए इंटू बी इंटू 60, यानी कि जो वर्किंग आवर्स इंटू एक्चुअल लाइन प्रोडक्शन, और उसको 60 मिनट से करेंगे तो हमारे पास टोटल मिनट्स आ जाती हैं, यानी कि जो टोटल मिनट्स अवेलेबल हैं लाइन पे वो आ जाती हैं। एंड टोटल मिनट प्रोड्यूस, यानी कि जो एक्चुअल में जो लाइन प्रोडक्शन है वो कितने मिनट्स हुआ है, टोटल मिनट जो जो प्रोड्यूस जो रियली है मीन्स यूजफुल मिनट्स हैं वो बेसिकली ये है। तो इसके लिए जो एफ इज इक्वल टू सी इंटू डी, यानी कि सी जो बेसिकली हमारा है एक्चुअल लाइन प्रोडक्शन, एंड डी इज द स्टैंडर्ड टाइम प्रोडक्ट, यानी कि ये हमारी जो उससे मल्टीपल करके हमारा टोटल मिनट प्रोड्यूस आ जाएगा। और लाइन एफिशिएंसी बात करें, यानी कि एफ अपॉन ई इंटू 100, यानी कि एफ हमारा आ रहा है टोटल मिनट प्रोड्यूस्ड, और ई हमारा है बेसिकली टोटल मिनट अटेंडेड, यानी कि जो टाइम अवेलेबिलिटी टोटल है, और सो इसके अगेंस्ट में हमारी लाइन वाइज या एफिशिएंसी आ रही है, इनका एवरेज निकालेंगे तो 39.3 ओवरऑल लाइन एफिशिएंसी ये इस पर्टिकुलर प्लांट की आ रही है। सो दिस इज द वन एग्जांपल ऑफ द ओवरऑल लाइन एफिशिएंसी। और इसको और प्रिसाइज हमें करना है तो इसमें हम जो ईच लाइन की जो स्टैंडर्ड है वो बेसिकली मैन पावर की भी निकाल सकते हैं, सो सारा इसमें आ जाता है। सो दिस इज द करेक्ट मेथड वे ऑफ कैलकुलेट द ओवरऑल लाइन एफिशिएंसी। तो ये था फ्रेंड आज का मेरा वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। सो फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने सजेशंस कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें, सो दैट कि हम नए नए वीडियो आपके लिए लेके आते रहें। थैंक यू।